उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर से ट्रेंचिंग ग्राउंड हटाने की मांग को लेकर कचनाल गाजी गांव में 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसान प्रशासन के आश्वासन पर मान गए हैं, जिसमें किसानों ने दिसंबर तक ट्रेंचिंग ग्राउंड हटाने का नगर निगम को समय दिया है। इसके साथ ही किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है, जिसके बाद शहर में पड़ा कूड़ा उठा और लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि कचनाल गाजी गांव में धरना स्थल पर SDM अभय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नगर आयुक्त विवेक राय, तहसीलदार यूसुफ अली, भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू सहित किसानों की बैठक हुई, जिसमें पहले किसान ट्रेंचिंग ग्राउंड हटाने पर ही धरना खत्म करने पर अड़े रहे। नगर आयुक्त ने कहा कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़ा नहीं पड़ने से लोगों के घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा है, जिससे नगर में भारी गंदगी फैल रही है। बाद में किसानों ने नगर निगम को इस साल दिसंबर तक दूसरे स्थान पर ट्रेंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था के आश्वासन के बाद ही धरना स्थगित करने का ऐलान किया। वहीं भाकियू युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू ने कहा कि प्रशासन ने दिसंबर तक ट्रेंचिंग ग्राउंड बंद कर दूसरे स्थान पर बनाने और गांव की क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने की मांग की है, जिस पर नगर निगम और प्रशासन ने भी सहमति जताई। कार्रवाई आज कुछ बिंदुओं पर बैठकर समझौता हुआ है, क्योंकि 5 दिन यहाँ पर धरने को हो गए और शहर का कूड़ा रुका हुआ है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 20 दिसंबर 2023 का समय दिया है यहाँ पर कि आप लोगों के पास 4 महीने का समय है, आप इस कूड़े को कहीं और ट्रांसफर कीजिए, तब तक आप यहाँ पर डालते रहिए। और कुछ बिंदुओं पर कूड़ा खुले में आ रहा था और सही नहीं था, मेडिकल वेस्टेज थी, उन बिंदुओं को लेकर बात हुई और इनसे कहा कि आप रिटर्न में प्रस्ताव भेजेंगे और उसकी हमें कॉपी देंगे कल 4 बजे तक। अगर आप कल 4 बजे तक हमें वो कॉपी नहीं देंगे तो कल फिर यहाँ पर जैम कर दिया जाएगा। ये इन बिंदुओं पर इन लोगों से बातचीत हुई है, क्योंकि काफ़ी यहाँ से लोग परेशान हैं इस कूड़े को लेकर, मेन जो दिक्कत है यहाँ पर। तो हमारा कूड़े हटाने की योजना, इन्होंने बहुत योजना बताई कि हम ऐसा करने वाले हैं, प्लांट लगाने वाले हैं, वो सबको दरकिनार करते हुए एक ही बात पर कहा है पूरी कमेटी ने कि हम आपको सिर्फ 4 महीने का समय देते हैं यहाँ से हटाने के लिए, दूसरी जगह ढूंढने के लिए ये जगह उपयुक्त नहीं है। तो यही बिंदुओं को लेकर यहाँ पर फैसला। जैसे ढीला नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था और जो ढीला अपने मूल स्थान से ढीला नदी जो है अन्य स्थानों पे डाइवर्ट हो गई थी, जिसके वजह से जो है हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड वहाँ पे भी काफ़ी पानी आ गया था और आसपास जो वार्ड नंबर 40 है लोगों के खेत हैं आसपास, तो उसमें भी पानी भी आ गया और चूंकि ट्रेंचिंग ग्राउंड पास में था इसकी वजह से मलबा भी जो है कुछ लोगों के खेतों में आ गया था। इसी को लेके यहाँ पे जो वार्ड नंबर 40 के लोग हैं इनके द्वारा जो है धरना दिया जा रहा था और उनका ये लगातार वो लोग कूड़ा भी जो आ रहा था उसको आने नहीं दे रहे थे, तो इसको लेके इनके साथ लगातार बैठक की गई। इनकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, उसका समाधान के लिए यहाँ बात हुई। कुछ इन्होंने चीज़ें बताई जो चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं थी, निगम के भी नॉलेज में नहीं थी, इनके द्वारा बताया गया, तो सारी चीज़ों का हम अनुपालन कराएंगे और जो इनके द्वारा शर्तें दी गई हैं और जो भी चीज़ें सही हैं उसको हम लगातार प्रयास करेंगे कि समस्या यहाँ से दूर हो जाए और लोगों का यहाँ जो आसपास के खेत हैं उनको फर्दर कोई आगे कोई समस्या ना आए। जैसा कि आप देख रहे हैं ढेला नदी ने बड़ा तांडव कर रखा है, उसका दुष्प्रभाव है कि यहाँ के किसान बहुत प्रभावित हुए, उनकी उनका जो है प्रभावित होने के बाद आक्रोश बहुत ही जायज है। उस पर हमारी वार्ताएँ हुई हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है, किसानों ने जो समस्याएं रखा उसका एक सलूशन उनको दिया गया है। निकट भविष्य में यहाँ पे और स्थितियों को सुधारा जाएगा और उनकी जो समस्याएं हमारे तक पहुंच नहीं पा रही थी, जैसे मेडिकल वेस्ट का यहाँ आना, होटलों द्वारा यहाँ कूड़ा डालना, मंडी का कूड़ा यहाँ आना, रेलवे का कूड़ा यहाँ आना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो चोरी छिपे लोग यहाँ डालते रहे बिना हमारी सहमत के, लेकिन ये लोग भी हमें नहीं बताया, हमारे भी नॉलेज में नहीं था ये चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाया जाएगा, इनको सुविधाएँ बढ़ाई जाएंगी।